नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 6 दिसंबर की तारीख अयोध्या और देश के लिए एक बुरी याद है। इस दिन एक तांडव की नींव डाली गई जिसकी वजह से देश भर में दंगे हुए और बेगुनाह हिंदू मुसलमान मारे गए। कोई इसे काला दिन के रूप में देखता है तो कुछ लोग इसे गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। 3 और लोग थे इस कथित गौरव यात्रा में शामिल, जिनकी वजह से शांति के दुश्मनों को गर्व करने का मौका मिलता है। कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ने वाले, लेकिन इन तीनों के नाम बदल गए हैं। बलबीर सिंह और योगेंद्र पाल, ये दोनों दोस्त बाबरी गिराने एक साथ गए थे। बलबीर का नाम अब मोहम्मद आमिर हो गया है और योगेंद्र बन गया है मोहम्मद उमर। इस्लाम अपनाने वाले तीसरे शख्स का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये पहले शिव प्रसाद हुआ करते थे और अयोध्या में बजरंग दल के नेता थे। करीब 4,000 कार सेवकों को खुद ट्रेनिंग दी थी। दंगा वगैरह देखकर दिमाग विक्षिप्त हो गया, डिप्रेशन में चले गए। साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, तांत्रिकों से झाड़फूंक कराई, सब बेकार। 1999 में शारजाह गए नौकरी करने और वहाँ इस्लाम अपना लिया। मुस्तफ़ा के अलावा सबसे दिलचस्प कहानी मोहम्मद आमिर की है, जो पहले बलबीर थे। बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर ने 2017 में मुंबई मिरर को बताया था कि उसकी पैदाइश पानीपत के पास के गाँव की है, राजपूत परिवार में। पिता दौलत राम स्कूल टीचर थे, परम गांधीवादी, पार्टीशन का दर्द अपनी आँखों से देखे हुए। वे मुसलमानों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए अपने एरिया में काम वगैरह करते रहते थे और बलबीर और उसके 3 भाइयों से भी यही उम्मीद करते थे, यही चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संपर्क कैसे हुआ, इसके बारे में आमिर कहते हैं कि वो 10 साल के थे तो फुल फैमिली गाँव छोड़कर पानीपत शहर आ गई। गाँव वालों के लिए पानीपत में अलग ही माहौल था, एकदम दुश्मनी वाला। बच्चे साथ खेलते नहीं थे उनके और मारपीट रोज होती थी। इसी हौच पौच में एक दिन आरएसएस की एक शाखा में जाना हुआ। वहाँ बलबीर को आप कहकर पुकारा गया। इतना सम्मान इस शहर में बलबीर को कभी नहीं मिला था, वहीं से अटैचमेंट हो गया। तकरीबन 10 साल बाद बलबीर ने शिवसेना ज्वाइन की और साथ में भाइयों के साथ घर का बिजनेस संभालने लगे। पढ़ाई लिखाई चालू रही, रोहतक महर्षि यूनिवर्सिटी से MMA किया। लाइफ एकदम नॉर्मल जा रही थी। मुसलमानों से नफरत कैसे बढ़ी, इसके जवाब में तब के बलबीर अब के आमिर बताते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करना मुश्किल काम नहीं था। इनके आसपास का माहौल ऐसा था कि हर बुरे काम को मुसलमानों से जोड़ा जाता था। बाएं हाथ से खाना खाओ तो भी ये बोला जाता था कि मुसलमान है क्या। ये बात दिमाग में बिठाई गई कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हमारे देश आए, हमारे मंदिर तोड़े और हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। तो ये सब मन में पल रहा था और वो सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखाने का एक मौका खोज रहे थे। अयोध्या के लिए कूच किया तो उसके दोस्तों ने कहा था कि कुछ किए बिना वापस मत आना। बलबीर यानी अब के आमिर बताते हैं कि वो 5 दिसंबर को अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या गए थे। वहाँ विश्व हिंदू परिषद का जोर था। आडवाणी की सुनवाई ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो सिंधी थे और उनको हिंदू माना ही नहीं जा रहा था। उमा भारती को ड्रामा क्वीन समझा जा रहा था। मंदिर यहीं बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो वाले नारे लग रहे थे गली गली में। आमिर के मुताबिक अगले दिन वो किसी जानवर की तरह हो गए थे और फिर अपनी कुदाल लेकर बाबरी के गुंबद पर चढ़ गए। 6 दिसंबर के बाद क्या हुआ, कांड तो हो गया। उसके आगे की कहानी आमिर बताते हैं कि उनका और योगेंद्र का पानीपत लौटने पर किसी हीरो की तरह स्वागत हुआ, लेकिन घर में माहौल अलग था। पिता ने अल्टीमेटम दे दिया कि उनके घर में या तो बलबीर रहेगा या तो वो खुद। बलबीर ने खुद घर छोड़ने का फैसला किया और अपनी वाइफ को साथ चलने को कहा। वाइफ ने इनकार कर दिया तो अकेले ही निकल गया। हर तरफ दंगे भड़क गए थे, इसलिए बलबीर बचने के लिए खेतों में खंडहरों में छिपता रहा। किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देख कर वो डर जाता था। कुछ महीने फरारी काटने के बाद पता चला कि बाप की डेथ हो गई है तो घर वापस आ गया, लेकिन वहाँ बहुत बुरा रिस्पांस मिला और घर वालों ने उसको ही बाप की मौत का कारण बता दिया। साथ में ये भी बताया कि मरने से पहले उनकी सख्त हिदायत थी कि बलबीर उनके क्रियाकर्म में शामिल न हो। बलबीर आमिर कैसे बना, ये उसके आगे की कहानी है। दूसरा झटका तब लगा जब बलबीर को पता चला कि मस्जिद तोड़ने उसके साथ गया योगेंद्र अब मोहम्मद उमर बन गया है, धर्म बदलकर मुसलमान हो गया है। उस कांड और उसके बाद भड़के दंगों की वजह से योगेंद्र का दिमाग ख़राब हो गया था। उसको हमेशा लगता था कि उसने पाप किया है जिसकी वजह से वो पागल होता जा रहा है। फिर तकरीबन 6 महीने बाद जून 1993 को
बलबीर सोनीपत गया मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास, जिसने योगेंद्र का धर्म बदला था। मौलाना से कहा कि मस्जिद गिराने में उसका भी हाथ था, लेकिन वो और मस्जिदें बनवाएगा, तकरीबन 100 मस्जिदें। मौलाना ने बलबीर को मदरसे में कुछ बिताने के लिए कुछ दिन कहे। कुछ महीने बाद बलबीर का नाम बदल गया और नाम मिला नया, मोहम्मद आमिर। कुछ महीने बाद आमिर की वाइफ भी मदरसे में आई और उसने भी इस्लाम अपना लिया। इसके बाद आमिर की ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव बड़े ड्रामेटिक तरीके से आते रहे, एकदम फिल्मी किस्म के। आमिर ने अब तक 50 के आसपास मस्जिदें बनवाने में अपना योगदान दिया है। उनसे जब कोई बात करता है तो वो एक ही बात करते हैं, अमन की, शांति की। तो भैया शांति की बात तो हम भी करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपने YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल पर देखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए और हमारा Android ऐप दी ललन टॉप ढूंढ के इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।